जबलपुर संभाग के पूर्व कमिश्नर बी चंद्रशेखर 9 मई 2024 को एक प्रकरण की सुनवाई के लिए अपने साथी अधिवक्ता अमित बलभद्र के साथ हाईकोर्ट जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बालाघाट के लांजी से पूर्व सरपंच रहे योगेश रामटेकर के प्रकरण में करीब 1.5 घंटे तक बहस करते हुए अपना पक्ष रखा। गौरतलब है कि लांजी के पूर्व सरपंच योगेश रामटेकर द्वारा सरपंच पद पर रहते हुए वर्ष 2009 में एक व्यक्ति का राशन कार्ड बनाया गया था, जिसने वर्ष 2011 में राशन कार्ड का पिस्टल लाइसेंस बनाने में प्रयोग किया था। इस प्रकरण में लांजी पुलिस ने राशन कार्ड हितग्राही के साथ पूर्व सरपंच योगेश रामटेकर के विरुद्ध गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करते हुए सह आरोपी बनाया था। इसी प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता बी चंद्रशेखर ने अपने प्रशासनिक अनुभव के साथ हाईकोर्ट में बहस की। आइए आपको दिखाते हैं प्रकरण की सुनवाई का कुछ अंश। That is not with us right now, my lord. Yeah. We can submit it, but my humble submission is that it is actually immaterial, because the allegation against me is of forgery. Yes. And there's no way I could forge the document, and for this I would rely on one of the very landmark judgments of the Honorable Supreme Court in Ibrahim versus State of Bihar. Yes. Where, and that is reproduced verbatim in my application. Yes. On page number 11. It will connected wali hogi dena connected. Page number 11, my lord. 42.2 dena. 42.2. Page number 11, where the Honorable Supreme Court has gone in great detail and expounded and interpreted with great clarity. Yes. When an offence under section 465 is, or rather 464. राइस मिलर्स एसोसिएशन ने आज बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे से उनके कार्यालय में भेंट कर जिला विपणन अधिकारी हीरेंद्र रघुवंशी की मनमानी को लेकर शिकायत की। राइस मिलर्सों ने बताया कि समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मिलिंग हेतु विपणन अधिकारी बाहर के मिलर्सों पर जमकर मेहरबानी दिखा रहे हैं, जिससे उनके सामने परेशानी खड़ी हो गई है। विभाग द्वारा लोकल के मिलर्स को ओपन कैप से धान उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जहां मिलर्स को 4 से 5 दिन का समय धान उठाव में लग रहा है। वहीं दूसरी ओर मंडला जिले के मिलर्स को गोदाम से धान उठाने कहा जा रहा है, ऐसी स्थिति में उन्हें काफी दिक्कतें हो रही है। राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोनू भगत ने तत्काल इस मामले में विधायक से हस्तक्षेप करने के लिए आवेदन दिया है। हम लोग तो 1 से 2 माह में इस धान को मिलिंग करके दे सकते, लेकिन जिला विपणन अधिकारी द्वारा दुर्भावना पूर्व कर दो या दो मुंह रवैया बोल दीजिए, उसके द्वारा अन्य जिले मंडला को उनको जो अनुमति मिली है ओपन कैप की धान देने की अनुमति मिली थी और उसी का प्रस्ताव उन्हें भोपाल भेजा था, लेकिन उनके द्वारा उस ओपन कैप की धान न देकर उनको गोदामों की धान देकर विशेष रूप से न्याय संगत मिलरों के साथ जो जिले के मिलरों का व्यवहार नहीं किया गया है और बाहर जिले वालों के लिए इनकी विशेष अनुकंपा जिला विपणन अधिकारी की रही है। ओपन कैप की धान न देकर गोदामों की धान रेक के माध्यम से जिला विपणन अधिकारी के माध्यम से उनको उपलब्ध कराया जा रहा है और 3 दिन से हमारे जो लोकल के जिले के मिलर हैं, जो उनके आरो गोदामों के भी काटे गए हैं, उनकी धान के ट्रक खड़े रख कर अन्य जिले के धान के ट्रक रेक मूवमेंट के माध्यम से जा रहे हैं और हमारे लोकल के ट्रक 3-3 दिन से खड़े हैं इस परेशानी को लेकर। और जो धान जिले में बची हुई उस धान को जिले में ही बची रहे, जिले के मिलर पीसे, इसको लेकर माननीय विधायक महोदय के समक्ष हमने ज्ञापन पेश किया है। विधायक अनुभा मुजारे ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जिले के मिलर्सों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उनकी समस्या का समाधान करने के लिए जल्द ही कलेक्टर बालाघाट की उपस्थिति में डीएमओ के साथ मिलकर राइस मिलर्स की बैठक ली जाएगी। यहाँ के राइस मिलर्स को प्रोत्साहित किया जाए, यहाँ उनको धान दी जाए और यहाँ पे उनको काम करने दिया जाए, जिससे उनका उद्योग कारखाना चलता रहे, काम चलता रहे और यहाँ के लोकल लोगों को भी काम मिलता रहे। अब इसी संदर्भ में वो आज मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की और जिला विपणन अधिकारी से मेरी बात भी हुई है दूरभाष पे, वो अभी है नहीं तो मैंने उन्हें बुलाया था कार्यालय में, हम बैठ के चर्चा करना चाह रही थी मैं, लेकिन अभी वो बाहर हैं। सोमवार के दिन
हम सभी हमारे जो राइस मिलर्स एसोसिएशन के जो हमारे भाई लोग हैं व्यापारी बंधु, उनको साथ में लेकर मैं और मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे जो माननीय तीनों विधायक गण हैं, संजय उइके जी, मधु भगत जी, विवेक पटेल जी और मैं, हम लोग उनका साथ में प्रतिनिधि मंडल लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी से मिले और ये सारी व्यथा उनकी हम व्यक्त करें उनके सामने और शासन के जो दिशा निर्देश हैं उस पर कार्यवाही किए जाने की हम मांग करेंगे। बालाघाट जिले के कटंगी थाना पुलिस ने आईपीएल सट्टा खेलते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक स्विफ्ट कार एवं मोबाइल सहित नगद राशि भी बरामद की गई। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिवनी रोड पर कार में बैठकर बाबू मेमन और योगेश गौतम गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के मध्य चल रहे मैच में ऑनलाइन सट्टा आईडी के माध्यम से जीत हार का दाव लगा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने तत्काल टीम के माध्यम से घेराबंदी करते हुए दो लोगों को हिरासत में लिया और उनके पास से मोबाइल सहित 2500 रुपये नकदी के साथ स्विफ्ट कार को भी जब्त किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि ऑनलाइन सट्टा वेबसाइट पर आईडी एवं लिंक सिवनी निवासी राहुल सोनी के द्वारा दी जाती है, जिसकी भी पुलिस के द्वारा सघनता से तलाश की जा रही है। बालाघाट शहर में जलावर्धन योजना की जांच करने पहुंची टीम दो दिनों में ही वापस भोपाल लौट गई है। इसे लेकर बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने जांच टीम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि शहर में आज भी कई ऐसे वार्ड हैं जहां लो प्रेशर की समस्या के कारण लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। कंपनी के द्वारा जिस तरह से नगरीय क्षेत्र में काम किया गया है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, इसे लेकर उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया था, लेकिन जांच करने पहुंची टीम ने बिना किसी सूचना के दो दिन में ही जांच पूरी कर ली है। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जलावर्धन योजना की इस जाँच के विरुद्ध फिर से उनके द्वारा विधानसभा में मुद्दा उठाया जाएगा। में वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13 में मैंने बैठकें की, वहाँ के हमारे आम नागरिक गण, माता बहनों ने सब ने शिकायत की कि भाभी जी नल बिल्कुल नहीं आते, पानी का प्रेशर बिल्कुल नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। सुबह से हम 5 बजे से अपना पानी भरने की व्यवस्था करते हैं लेकिन प्रेशर ही नहीं है, तो ये कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ दो वार्डों में पानी की समस्या, बाकी सब बढ़िया है। तो मैंने कहा ना कि पूरी खाना पूर्ति की गई है, सिर्फ टेबल में लिखा पढ़ी की गई है और फोटो खिंचाने के लिए, सोशल मीडिया में आने के लिए, समाचार में आने के लिए इन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए 2 या 3 पॉइंट में जाके लोग खड़े हुए हैं और थोड़ा इन्होंने देखा है। इतना मैंने कहा ना कि बड़ा शहर है, जिला मुख्यालय है, 33 वार्ड हैं, और 2 दिन में आप जाँच कर लोगे? 2 दिन में आपकी जाँच सफल हो ही नहीं सकती। जांच नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति की गई है और इस खाना पूर्ति का हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं तरीके से सिस्टम से जांच हो और हम मौजूद रहें।